हेलो एवरीवन, मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं पाठशाला रेलवे एग्ज़ाम में। तो पाठशाला रेलवे एग्ज़ाम आप सभी लोगों के लिए मैथ्स का एक बैच लेकर आ रहा है, इंटायर मैथ्स का, यानी कि कंप्लीट मैथ, जिसमें आपको अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही पोर्शन मिलेंगे, जिसमें इंटायर मैथ्स मैं यानी कि अनुराग दीक्षित आपको पढ़ाने वाला हूँ, पूरी की पूरी कंप्लीट मैथ। इसमें क्या खास बात होगी, देखिए क्या होता है ना कि जब आप किसी का कोर्स लेते हैं तो सबसे पहला तो एक यह सवाल उठता है मन में कि मैं आपका कोर्स क्यों लूँ या फिर मैं आपके साथ पढ़ाई क्यों करूँ। तो एक वैलिड रीज़न के साथ मैं आपके सामने बताता हूँ कि आपको मेरे साथ पढ़ाई क्यों करनी चाहिए। आपको मेरे साथ पढ़ाई इसलिए करनी चाहिए कि जो मेरे सिलेक्शन का अनुभव है, मैं ये जानता हूँ इतने सारे सिलेक्शन से मुझे ये पता है कि किस एग्ज़ाम को किस तरीके से टारगेट कर लेकर चलना है, कौन से क्वेश्चन को बार बार रिपीट होना है, किस क्वेश्चन को एक समय के बाद छोड़ दिया जाता है, ये सारा का सारा एक्सपीरियंस मैं आपको इन सिलेक्शंस के साथ देना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब होता क्या है ना कि क्वेश्चंस को करने के तरीके, मैथ्स को सीखने और सिखाने के तरीके सभी के अलग अलग होते हैं। मैं आपको मैथ्स के वही तरीके सिखाऊंगा जो मैं सोचता हूँ। तो एक बार इस कोर्स को आप अपनाइए और फिर उसके बाद सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई मत करिए, सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस कोर्स में जो खास बातें आपको मिलेंगी वो क्या होंगी, जो इसके फीचर्स हैं वो क्या होने वाले हैं। सबसे पहली बात, ये कोर्स आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, यानी दोनों ही भाषाओं में मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश। क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होगा हिंदी और इंग्लिश फॉर्मेट में होगा और कंप्लीटली विजिबल होगा। कंप्लीटली क्या होगा, विजिबल होगा, ठीक। दूसरा, हर एक कॉन्सेप्ट का जो बेसिक है उसकी क्लैरिटी होगी, हर एक कॉन्सेप्ट की, जो भी आप किसी भी चैप्टर से पढ़ें, चाहे वो एरिथमेटिक का हो चाहे वो एडवांस का हो, हर एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी। उसके बाद तीसरा ऑप्शन जो है ना, रट्टा नहीं स्मार्ट अप्रोच। कुछ बार क्या होता है कि एक क्वेश्चन को याद करने के लिए बोल दिया जाता है कभी कभी, और कुछ चीज़ों को स्मार्ट अप्रोच से सॉल्व किया जाता है। अभी स्मार्ट अप्रोचेस क्या होती हैं उसको मैं आपको सिखाऊंगा। मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे जब कभी भी मैथ्स की शुरुआत होती है, अभी तक मैं ये देखता आया हूँ कि जो भी मैथ्स के कोर्स मार्केट में है उसमें किस तरीके से शुरुआत होती है मुझे नहीं पता, और ना ही मैं वो आपको बताऊँगा। लेकिन जब कभी भी मैथ्स की शुरुआत होती है तो सबसे पहले मैथ्स की शुरुआत कैलकुलेशन से होती है। अब इस कैलकुलेशन में जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भागा। अब आप बताइए कि जो भी मैथ्स आप पूरी पढ़ोगे उसमें सिर्फ जोड़, घटाना, गुणा, भागी तो होता है, क्या इसके अलावा कुछ होता है? और मैं अगर आपसे कहूँ कि ये कैलकुलेशन ही आपका स्ट्रांग नहीं है, इसी पर आपका पकड़ नहीं है और आपने पूरा मैथ्स पढ़ डाला, तो उस मैथ को करने में आपको टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? यस, लगेगा। तो सबसे पहला जो, जब कभी भी मैथ्स की पढ़ाई की शुरुआत होती है तो सबसे पहला जो चीज़ पढ़ने वाला होता है वो होता है कैलकुलेशन, सबसे पहला काम। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक होता है वो सिंप्लीफिकेशन होता है। सिंप्लीफिकेशन के बाद आप लोगों को नंबर सिस्टम पढ़ना होता है, इस तरीके के सीक्वेंस में, और ये सीक्वेंस सबके पास नहीं होता है। ये वही समझ सकता है या वही बताएगा जिसने कभी सिलेक्शन ले रखा है या जो सिलेक्शन के अनुभव से परिचित है। बहुत सीधी सी बात है। तो किस तरीके से पढ़ना है, कौन कौन सी अप्रोचेस कहाँ कहाँ लगानी है। अब होगा क्या, एक क्वेश्चन जो कि नॉर्मल होता है, मान लीजिए एक क्वेश्चन है, एक बच्चा जो कि पिछले 2 वर्ष से पढ़ाई कर रहा है वो भी इस क्वेश्चन को कर रहा है, एक नया बच्चा उसने भी इस क्वेश्चन को कर डाला, तो नए बच्चों को क्या लगेगा, अरे मेरा तो तैयारी अच्छा हो गया, मैं भी इस क्वेश्चन को कर ले रहा हूँ जैसे 2 साल से तैयारी करने वाला बालक पढ़ रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी क्वेश्चन को करने में तकरीबन 2 मिनट का समय ले रहे हैं। इस बालक ने भी तैयारी करी, इस बालक ने भी क्वेश्चन किया, फर्क क्या पड़ा, इसने वही क्वेश्चन जो 2 मिनट में हो रहा था वो मात्र 30 सेकेंड में किया। तो अब दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क है आप अगर देखो तो 1.5 मिनट का, 1.5 मिनट का। और ये 1.5 मिनट का जो फ़र्क आया ना,
ये सिर्फ रटने से नहीं आया, ये किससे आया? स्मार्ट अप्रोच से। किससे आया? स्मार्ट अप्रोच से। ठीक, तो उसी तरीके की हर एक चैप्टर अर्थमेटिक और एडवांस को करने की जो अप्रोच होगी वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। इस अपडेटेड कंटेंट, अपडेटेड कंटेंट का मतलब होता है लेटेस्ट पैटर्न पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस पर? जितना भी लेटेस्ट पैटर्न बनता है, जो कि कोई भी एग्जाम एजेंसी कंडक्ट कराती है, जितने भी लेटेस्ट पैटर्न पर लेटेस्ट क्वेश्चन होते हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन, उनको भी इंक्लूड किया जाएगा उस कंटेंट में। उसके भी कॉन्सेप्ट को सिखाएंगे, उसके भी कॉन्सेप्ट पर क्लैरिटी बनेगी, पकड़ बनेगी, मजबूती बनेगी। सारे के सारे क्वेश्चन होने के बाद आपको असाइनमेंट मिलेंगे, असाइनमेंट मतलब होमवर्क। उसके बाद आप नंबर ऑफ क्विजेस को सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस और अच्छी कर सकते हो। असाइनमेंट और क्विजेस का फायदा ये होता है कि आप अपनी प्रैक्टिस को प्लस कर सकते हो। उसके बाद वीकली मैं आपके लिए जूम सेशन रखूंगा, जिसमें मैं आपके डाउट्स पूछूंगा अबाउट द कोर्स, कि कोर्स को लेकर अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे बताएं, मैं उसको सुधार लूंगा। ठीक, वैसे तो आपको कोई मिलेगा नहीं, ये तो गारंटी है। उसके बाद जो भी आपके कोर्स के अलावा जो डाउट्स होंगे, क्वेश्चंस को लेकर, क्वेश्चंस को लेकर जो डाउट होंगे, या मॉक टेस्ट में स्पीड नहीं बढ़ रही है, इस प्रकार के जितने भी डाउट है, मॉक टेस्ट में स्पीड नहीं बढ़ रही, क्वेश्चन को लेकर डाउट क्या है, कोर्स को लेकर डाउट क्या है, जो भी डाउट होगा उसके लिए मैं आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट होऊंगा, डायरेक्ट बात करूंगा जूम सेशन पर, ताकि मुझे आपके डाउट्स पता चले और मैं उनको क्लियर कर पाऊं। ठीक है, एन नंबर ऑफ टाइम वीडियो कैन बी वॉच्ड। आप कोर्स को परचेस करने के बाद, कोर्स को परचेस करने के बाद, खरीदने के बाद, ऐसा नहीं कि आप उस कोर्स को सिर्फ 10 बार देख सकते हैं, 20 बार देख सकते हैं, 100 बार देख सकते हैं, ऐसा नहीं। आप उसको कितने भी बार देख सकते हो, एन नंबर ऑफ टाइम्स, जब तक वो वैलिडिटी रहेगी, आप उसको दिन में 500 बार देखिए, आप देख पाएंगे। ठीक, जब तक वैलिडिटी है आप उसको कितने भी बार देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। स्पीडोमीटर, इसका फायदा क्या होता है? सपोज करिए आपको कोई चैप्टर है, मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें आपको कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी क्लैरिटी है, लेकिन जो मैं सिखाऊंगा वो आपके लिए अपडेट होगा, नया होगा, ये बात भी पक्की है। अब क्या है, आप चाहते हो कि आप पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस एक बार फिर से तेजी से पढ़ लो, तो तेजी से पढ़ने के लिए यहां पर स्पीडोमीटर का भी एक ऑप्शन है कि आप उसको 1x, 1.5x, 2.5x, 2x की स्पीड में बढ़ाकर तेजी से देख सकते हो, तो इससे आपका समय भी बच जाएगा। ठीक, लेकिन तब ये तब करना होगा स्पीडोमीटर का इस्तेमाल, जब आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, आपको वो चैप्टर अच्छे से आता है। ठीक है, चलिए आगे कुछ पॉइंट्स पर और बात कर लेते हैं। कंप्लीट मैथ आपको पढ़ाई जाएगी, कैसे? कैलकुलेशन से शुरुआत होगी। लोगों को यही नहीं पता है, अर्थमेटिक में ज़्यादातर लोग क्या कर देते हैं, शुरुआत ही परसेंट से कर देते हैं। नज़रिया बदलना पड़ेगा बच्चों को सिखाने का, क्या है ना, टीचर्स को बच्चों को सिखाने का जो नज़रिया है वो बदलना पड़ेगा। अगर आपका इस पे ही स्ट्रॉन्ग पकड़ नहीं होएगा, कैलकुलेशन पे, जो कि पूरी की पूरी अर्थमेटिक एडवांस और डीआई पर बेस्ड होती है, सारा का सारा मैथ इसी पर तो बेस्ड है। किस पर? कैलकुलेशन पर। इसके अलावा कुछ है क्या? ये जितना फास्ट होगा समय उतना कम लगेगा, और जितना समय कम लगेगा पेपर में सिलेक्शन की तरफ आप उतनी तेजी से बढ़ पाएंगे। यानी आप ये समझ सकते हो कि जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन इसकी जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके सिलेक्शन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैलकुलेशन का स्पीड। अब आप कहोगे कैलकुलेशन की स्पीड से सिलेक्शन? जी हाँ, पूरा का पूरा मैथ तो ये कैलकुलेशन ही है। जितना तेज मैथ होगा, जितना तेज कैलकुलेशन होगा, उतना तेजी से मैथ सॉल्व होगा और उतना ही तेजी से सिलेक्शन मिलेगा, है ना? और मेरे सिलेक्शन का राज भी अगर मैं आपको बताऊं ना, तो बेसिक क्या है ना, बेसिक पॉइंट कैलकुलेशन का ही है। इन सब चीजें, कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट, ये दो चीजों पर जिस भी विद्यार्थी ने अपनी पकड़ बना ली उसका सिलेक्शन 100% है। और ये मैं दोनों ही चीजें इस कोर्स में इतना बेहतर सिखाऊंगा कि आप कहोगे कि अरे वाह, सिर्फ पढ़ाई नहीं करेंगे हम, मैं आपको सिलेक्शन भी दिलाऊंगा, गारंटीड। अर्थमेटिक कैलकुलेशन के बाद पूरा का पूरा इंटायर अर्थमेटिक, फिर एडवांस और फिर डीआई।
और ये ऐसे ही नहीं कि सब कुछ ऐसे ही उठाकर लेके आए और पढ़ा दिया ना, इसमें टाइप वाइज भी मिलेगा और फिर आपको लेवल वाइज भी मिलेगा। यानी शुरुआत में क्वेश्चन आपको इजी लेवल पर मिलेगा, फिर क्वेश्चन धीरे धीरे मॉडरेट लेवल पर आएगा, और फिर धीरे धीरे क्वेश्चन का डिफिकल्ट लेवल भी मैं आपके सामने रखूंगा, ताकि आपको ये एक अंदाजा होता जाए कि इजी क्वेश्चन को करने में आप क्या टाइम ले रहे हो। उसके बाद मॉडरेट क्वेश्चन जब आप करते हो असाइनमेंट से, क्विजेस से या सीखने से समय, तब आप कितना समय ले रहे हो, और जब डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हो तब आप कितना समय ले रहे हो। ये तीनों बातें आपको इस चीज़ों से मिलेंगी। टाइप वाइज में यानी कि हर एक क्वेश्चन का जितना भी टाइप होता है, चैप्टर को डिवाइड करके मैं आपको टाइप वाइज और लेवल वाइज दोनों पढ़ाऊंगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब मैं आपको बताता हूं कि इस कोर्स को आपको खरीदना कैसा है। सबसे पहला काम आप करेंगे कि आप अपने स्मार्टफोन को अपने हाथ में लेंगे, उसके बाद स्मार्टफोन का बटन ऑन करेंगे। जब उसका स्क्रीन ऑन हो जाएगा तो वहां पर आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, जिससे आप दुनिया भर की सारी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो। तो प्ले स्टोर पर जाने पर दूसरा काम करना होगा, आपको माई पाठशाला इस तरीके से लिखकर उसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना होगा। जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो उसमें एक ऑप्शन आएगा इंस्टॉल, उसको आप क्लिक कर दीजिएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आप माई पाठशाला एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पर आ जाओगे। होम स्क्रीन कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगी, और जैसे ही आप इसको देखोगे तो उसमें अगला जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा मैथ स्पेशल बैच का, जो कि इस तरीके से आपको दिखाई देगा, जिसमें मेरा फोटो लगा होगा, मैथ स्पेशल बैच, ठीक। इस पर आप यहां पर क्लिक कर दोगे, देखो यहां पर लिखा है एक ऑप्शन लर्न मोर, यहां पर आपने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको अगला जो ऑप्शन दिखाई देगा वो ऑप्शन होगा एड टू कार्ट का, किसका ऑप्शन होगा ऐड टू कार्ट का, जो कि नीचे आपको दिखाई देगा उधर पे। होम स्क्रीन पर लर्न मोर पर क्लिक करेंगे, आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड टू कार्ट का, ठीक। ऐड टू कार्ट के बाद अब आप जब ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास तमाम सारे ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे पेमेंट करने के लिए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI। आप जिस भी ऑप्शन को लें, आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड मतलब ATM कार्ड साधारण उसको, या नेट बैंकिंग है, या फिर किसी UPI ID को जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जिसको भी आप यूज़ करते हो उसको चलाइए। और वहाँ पर एक नीचे ऑप्शन आएगा पे नाउ का, जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक कर देते हैं, किस पे क्लिक कर देते हैं, पे नाउ पर, वैसे ही संपूर्ण कोर्स आपका हो जाता है। नाउ द कोर्स इज ऑल योर्स, अब कोर्स आपका हो गया। कोर्स आपका होने के बाद आप उसको शिद्दत के साथ बड़े मन से पढ़ाई कर डालिए, पढ़ डालिए, मन से पढ़ डालिए। और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वन डे एग्ज़ाम की, तो आपके लिए ये जीवन का आखिरी कोर्स होगा। इसके बाद मैथ के लिए आपको किसी कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ख़ास तौर पर ALP वाले बच्चे, जो कि ALP यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं, जो अपकमिंग वैकेंसी है, मेरा उनसे निवेदन है कि इस कोर्स को जरूर जरूर और ज़रूर परचेज कर लें, क्योंकि बार बार ALP की वैकेंसी नहीं आती है, और मैथ्स के कारण जिन भी बच्चों का सिलेक्शन रुकता है, आज के बाद नहीं रुकेगा। एक खास तौर पर अगर आप देखो ALP वाले बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको ज़रूर ज़रूर ले लें, ठीक। अब मैं आपको आगे की स्लाइड पर लेकर चलता हूँ, मैं कोर्स की फ़ीस की बात कर लेता हूँ। मैं कोर्स की फ़ीस उतना ही रखा हूँ जितना कि रीज़नेबल है, जितना कि इस कोर्स को बनाने में चीज़ों पर खर्च होंगी, ठीक, उतना ही रखा हूँ, ज़्यादा नहीं। अब आपको लग रहा होगा अर्थमैटिक 999, एडवांस 699, नहीं, सुनिए, अर्थमैटिक के लिए आपको देने होंगे 799 रुपये, लेकिन इसमें ये 200 रुपये आपके रिफंडेबल हैं, ये आपको वापस कर दिए जाएंगे। ये रिफंडेबल उस कंडीशन में है जब आप कोर्स जो आपने खरीदा है उसको पूरा इस्तेमाल करेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, सारे का सारा पूरा का पूरा कोर्स इस्तेमाल करेंगे। इससे आपको ये भी समझ में आ रहा होगा और ये भी अंदाज़ा लग गया होगा कि कोर्स मैं कितनी मेहनत से तैयार कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपको ये 200 रुपये वापस कर दूंगा तब जब आप पूरा का पूरा कोर्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो इसका मतलब कोर्स में कहीं ना कहीं जान है जो कि आपके सिलेक्शन में आपकी मदद करेगी।
ये आपको वापस हो जाएगा। तो इसके कहने का मतलब जो है, जो अर्थमेटिक आपको पड़ेगा वो मात्र 799 का पड़ेगा, 799 का पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर एडवांस की बात करें तो एडवांस और साथ में DI वो आपको 499 का पड़ेगा। ठीक, इसमें भी आपको पे करने होंगे 699। लेकिन लेकिन अब क्या है कि जो भी बच्चा ये पूरा कोर्स, जो भी बच्चा पूरा कोर्स दोनों एक साथ अर्थमेटिक और एडवांस अगर वो पूरा लेना चाहता है तो उसे मात्र और मात्र पे करने होंगे 1199 रुपये, 1199, जो भी इन कोर्स को पूरा का पूरा लेना चाहता है। ठीक, अच्छा एक चीज़ समझिएगा, इस 19 इसमें जो है इसमें 200 रुपये इसमें भी रिफंडेबल है। ये तभी रिफंडेबल है जब आप पूरा कोर्स वीडियो को, पूरे वीडियोस को देखोगे। ठीक, पूरे वीडियोस को देखोगे यानी आपको कोर्स जो मिलेगा वो मात्र और मात्र 999 रुपये में मिल जाएगा, जो दोनों बच्चे लेना चाहेंगे। ठीक, अच्छा अब इस पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, इसके बाद भी अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो माई पाठशाला का एक सपोर्ट नंबर है जिस पर आप क्वेरी करके चीजों की जानकारी ले सकते हो। इंक्वायरी नंबर 9369880746, 9369880746। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, आप एक बार ये कोर्स को ले और देखो इस पर, उसके बाद मैं आपको बोलता हूं कि ये आपके जीवन में सबसे इफेक्टिव कोर्स बनेगा आज तक का। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से जरूर दें कि ये कोर्स आपको क्यों लेना चाहिए, मैंने आपको रीजन बताया है। तो एक बार इस कोर्स का फायदा उठाएं और सिलेक्शन की तरफ बढ़कर जाएं। धन्यवाद।